अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर राइबोसाइम्स? आंसर इज, राइबोसाइम्स आर द एंजाइम्स विच कंसिस्ट ऑफ RNA and are found in ribosomes। बच्चों, हमने पढ़ा था टॉपिक चैप्टर के स्टार्ट में कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसाइम्स की। जो राइबोसाइम्स होते हैं ये भी एंजाइम्स हैं, लेकिन ये क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ RNA instead of protein and are found in ribosomes। और एक इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स में। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पेप्टिडाइल ट्रांसफिरेज इज अ राइबोसाइम विच कंट्रोल्स पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम? एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आंसर इज, विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोसाइम्स, All enzymes are globular proteins which are made up of one or more polypeptides। बच्चों कह रहा है कि राइबोसोम्स के अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। मैनी एंजाइम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन एंड अ नॉन प्रोटीन कॉल्ड कोफैक्टर। द प्रोटीन्स इन एंजाइम्स आर यूजुअली ग्लोब्यूलर, द इंट्रा एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स दैट होल्ड प्रोटीन्स इन देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिसरप्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द एंजाइम पेप्सिन विच डज नॉट रिक्वायर कोफैक्टर। कह रहे बच्चों, जो एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्सप्लेन करें विच डज नॉट रिक्वायर एक्टिव साइट, विच डज नॉट रिक्वायर कोफैक्टर, जिसको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। द एंजाइम्स विच डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर कैन ऑल्सो शो एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट्स। बच्चों कह रहा है कि वो एंजाइम जिनको को फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, वो भी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिन, पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एंजाइम। इट इज सिक्रीटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड फ्रॉम स्टमक वॉल इन एन इनएक्टिव स्टेट पेप्सिनोजेन। इन दिस स्टेट इट हैज एन additional polypeptide fragment attached to its active site which does not allow the binding of substrate, hence it remains in inactive state. When pepsinogen is exposed in HCl as in stomach cavity, the additional polypeptide fragment is removed and as a result inactive एपोएंजाइम पेप्सिनोजेन इज चेंज इनटू इट्स एक्टिव कोलोएंजाइम फॉर्म द पेप्सिन। बच्चों कह रहा है कि जो पेप्सिन है ये इसको सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको रिलीज किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में। इसकी इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है कि इसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट होता है जो इसकी एक्टिव साइट पर अटैच होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इसको अलाउ नहीं करता कि सब्सट्रेट के साथ ये बाइंड कर सके, इसलिए ये इनएक्टिव होता है। लेकिन जब हम इसको HCl के साथ ही एक्सपोज होता है, ठीक है, जैसा कि स्टमक की कैविटी में जब HCl, तो कह रहे कि जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट जो इसकी एक्टिव साइड पे अटैच होता है वो रिमूव हो जाता है, एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप? गिव एन एग्जाम्पल। ये प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है, एक एग्जाम्पल दें। प्रोस्टेटिक ग्रुप, अ प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कवलेंटली बॉन्डेड पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज परमानेंटली अटैच्ड
to enzyme and does not detach after the completion of a reaction. बच्चों कह रहा है prosthetic group एक covalently bonded part होता है enzyme का जो कि permanently attach हो जाता है enzyme के साथ और detach यानी separate नहीं होता अपनी reaction करने के बाद. ठीक है, example क्या है, an iron containing porphyrin ring attached to some enzymes like cytochromes is the example of prosthetic group. Next question is, what is the mechanism of enzyme action? के enzyme action का mechanism क्या है? Answer is, in an enzyme catalyzed reaction, the substrate first binds to the active site of enzyme to form an enzyme substrate complex. Then the substrate is converted into product while it is attached to enzyme. i.e. enzyme product complex is formed. And finally, the product is released, thus allowing the enzyme to start all over again. बच्चों कह रहा है कि एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जो सब्सट्रेट होता है वो सबसे पहले एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ और क्या बना लेता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, उसके बाद कहता है कि सब्सट्रेट प्रोडक्ट के साथ में कन्वर्ट हो जाता है और अभी तक प्रोडक्ट जो होते हैं वो एंजाइम के साथ ही अटैच होते हैं तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यानी ईपी कॉम्प्लेक्स बन जाता है. फिर फाइनली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और एंजाइम क्या हो जाता है फॉलो कर जाके वो दोबारा प्रोसेस अगेन स्टार्ट कर दे, यानी वो फ्री हो जाता है, दोबारा वो इसके साथ किस सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेगा, दोबारा क्या बना लेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोडक्ट्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे और इसी तरह से प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा. तो एक जो जनरल मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का वो क्या है कि ई रिप्रेजेंट करता है एंजाइम को प्लस एस सब्सट्रेट, एस रिप्रेजेंट करता है सब्सट्रेट को, ई प्लस एस कंबाइन होंगे तो ई एस यानी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, फिर सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ई बी बन जाएगा यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर क्या होगा ई और E plus P यानी एंजाइम और प्रोडक्ट क्या सेपरेट हो जाएंगे. एक्चुअली द एंजाइम कैन मेक द लोकल कंडीशंस इनसाइड द एक्टिव साइट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज आउटसाइड सच एज पीएच वाटर कंसंट्रेशन चार्ज एटसेट्रा सो दैट द रिएक्शन इज मोर लाइकली टू हैपन. कह रहे बच्चों जो एंजाइम है ना वो जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या करते हैं एक्टिव साइट के अंदर होते हैं उनको डिफरेंट कर देते हैं देन आउटसाइड. ठीक है, ताकि क्या जो रिएक्शन क्या इजीली हैपन हो सके. फॉर एग्जांपल इफ अ सब्सट्रेट इज टू बी सप्लेड अ बॉन्ड माइट बी स्ट्रेस्ड बाय एंजाइम मेकिंग इट मोर लाइकली टू ब्रेक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन अ केमिकल रिएक्शन. कह रहा है कि जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसका क्या रोल है केमिकल रिएक्शन के अंदर. आंसर इज About 1000 chemical reactions are being carried out in a cell at any time. Energy of activation required for such a large number of reactions cannot be provided by living system. The living system works in isothermal condition. The excited state of molecules or reactants is achieved by biochemical process. Enzyme reacts with reactant A to form an EA enzyme reactant complex. The energy level of EA complex reaches to the energy level of reactant B AE complex then reacts with reactant B to form AB complex and enzyme E is released. कह रहे बच्चों 1000 ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एक सेल के अंदर. ठीक है, किसी भी टाइम और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए वो क्या हो सकता है हमारा लिविंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, तो जो लिविंग सिस्टम होता है वो एक आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क करता है. जैसा कि सबसे पहले अगर एंजाइम है वो एक रिएक्टेंट ए के साथ रिएक्ट किया है तो वो पहले बना लेगा ई ए कम्प्लेक्स. ठीक है, देन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो क्या करेगा जो ई ए कम्प्लेक्स का जो एनर्जी लेवल है वो रीच हो जाएगा टू द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट बी. फिर वो क्या करेगा जो ई ए कम्प्लेक्स है रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करेगा तो
ए और बी जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, ए भी कम्प्लेक्स बना लेंगे जो और एंजाइम ही है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जनरल रिएक्शन होगा ई प्लस ए एंजाइम प्लस रिएक्टेंट ए गिव्स अस ई ए कम्प्लेक्स, फिर ई ए कम्प्लेक्स प्लस बी रिएक्टेंट बी साथ ऐड करेगा तो ए बी प्लस एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। एंजाइम डज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाई चेंजिंग एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कह रहा है बच्चों के जो एंजाइम्स हैं वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं बाई चेंजिंग जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करके एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में। थस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड बिगन द रिएक्शन। सो कह रहे हैं बच्चों जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो ऑलरेडी बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने के लिए एंड रिएक्शन को बिगन करने के लिए। एन एंजाइम ग्रेटली रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसरी टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। एक जो एंजाइम है वो क्या कर देता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको रिड्यूस कम कर देता है जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो स्टूडेंट्स हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।